नमस्कार, एमकेएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी पांडे। चलिए रुक करते हैं आप खबरों की ओर। बाड़मेर सीट को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। टिकोरिया मुकाबले में फंसी सीट को बीजेपी के खाते में डालने के लिए अब सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर मंत्री तक फील्ड में उतर गए हैं। दो दिनों के दौरे पर बाड़मेर आए सीएम भजनलाल ने लगातार नॉनस्टॉप 10 घंटे तक विभिन्न समाजों के प्रतिबद्ध जनों के साथ बैठक की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सभी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी। लगातार बैठकों के कारण सीएम की तबीयत नरम हो गई और उन्हें उल्टी भी हुई, जिसका जिक्र बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने रात 3 बजे हुई एक बैठक में भी किया। हालांकि इस बीच सीएम ने कहा कि प्रतिबद्ध जन इतनी दूर से आए हैं तो जरूर मिलूंगा। साथ ही कहा कि एक रात अगर नहीं सोएंगे तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक होटल में यह मुलाकात चली।